समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है। मोदी सरकार और उसका बजट, हर नुक्कड़ चौराहे और सियासी गलियारों में बस यही चर्चा आम है। मोदी सरकार के अंतरिम बजट को विरोधी चुनावी बजट कह रहे हैं, जनता को भरमाने वाला बता रहे हैं। देखिए, किसान के हित की बात हो, आम जनता के हित की बात हो, अगर उसके हित में निर्णय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका तो विरोध किया नहीं जा सकता। लेकिन वो अच्छी पहल 4 साल पहले भी हो सकती थी। हम 4 साल आम जनता के ऊपर पूरी ताकत के साथ बोझ डालें। लेकिन जो भी हो, सरकार के इस आखिरी बजट ने आम आदमी के लिए सौगातों का पिटारा खोला तो आने वाले लोकसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की है। वेतन भोगी और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने वाला, व्यापारियों के लिए 40 लाख तक जीएसटी की से उसको छूट देने और 5 करोड़ तक की इनकम वाले को जो सुविधा इस बजट में दी गई है, ये सभी अभिनंदनीय है। चुनावी भाषणों में अब बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, तो वहीं कांग्रेस और गठबंधन के दलों के पास उसके खिलाफ बोलने के मौके भी। बहरहाल सरकार के बजट ने गरीबों, किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और खासकर मिडिल क्लास को बहुत कुछ दे डाला। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन प्लान सरकार लेकर आई तो किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख करने का मास्टर स्ट्रोक भी खेला। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। मोदी सरकार का जो बजट आया है, ये बहुत बढ़िया बजट है, जनता के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। मुझे पूरा बजट देख करके, पूरा देख नहीं पाया हूँ, जितना देखा हूँ उस देख करके बड़ी खुशी हुई है। तो मुझे तो ये बजट लॉलीपॉप जैसा लग रहा है कि बस इलेक्शन आ रहे हैं तो आप ये लॉलीपॉप रखिए और मतलब लुभाने के लिए टोटली किया गया है, तो पर जनता समझदार है। हर सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाते जाते अपने बजट में कोई ना कोई सौगात देने की कोशिश करती है। मोदी सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया है। मोदी सरकार का ये बजट मतदाताओं का बजट है या जनता का, इसको लेकर सबके अपने तर्क है। लेकिन जो कुछ भी है और जितना कुछ इस अंतरिम बजट में दिया गया, पूर्ण बजट में भी नहीं दिया जाता। 3 राज्यों में हार चौतरफा घेरते विपक्षी, पल पल बदलते चुनावी परिदृश्य में मोदी सरकार का ये बजट चुनाव में उसे क्या दिलाता है, देखने वाली बात होगी। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मोदी सरकार के अंतरिम या यूं कहें अंतिम बजट ने देश की सियासत को नया मोड़ देने का काम किया है। मोदी सरकार ने जिस तरह चुनाव से पहले बजट में सौगातों का पिटारा खोला है, उससे यही लगता है कि चुनाव आने वाले हैं और जनता की सुध ली गई। इसे चुनाव में जाने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। सरकार के पास इस बजट के बाद मतदाताओं से कहने को बहुत कुछ है, तो विपक्ष को इसे चुनौती देने और इसकी मंशा पर सवाल खड़े करने का भी अवसर। विपक्ष बीजेपी के इस पैतरे को किस तरह से काट करता है और सत्ता पक्ष कैसे लोगों को ये बता सकता है कि अंतरिम बजट में वो जनता की जो हिमायत कर रहा था उससे पहले उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष, कैसा बजट। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लीलाधर राजपूत, किसान हैं, साथ ही हमारे साथ अंशुल अग्रवाल हैं जो सीए हैं, और नरेंद्र शिवजी पटेल। नरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुरू नरेंद्र जी से ही करते हैं, इसलिए कि आज जो कुछ बजट में प्रावधान हुए हैं उनके पास कहने को बहुत कुछ है और उनसे सवाल भी बहुत से किए जाने हैं। बताइए नरेंद्र जी। जी रिजवान जी, प्रधानमंत्री जी के पिटारे में आज
वित्त मंत्री के माध्यम से हमारे पीयूष गोयल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से गांव गरीब किसान की चिंता की गई है। जो बहुत बहुप्रशिक्षित फैसले थे जिनकी नागरिकों को दरकार थी, आज वो सपने पूरे करने का प्रयास बजट के माध्यम से हुआ है। अलबत्ता ये अंतरिम बजट है, लेकिन अंतिम बजट कदापि नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और ये बजट आगे भी भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करेगी, ऐसा हमें भारत की जनता पर भरोसा है। तो निश्चित रूप से आज जो किसानों की चिंता की है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए 6,000 रुपये की एक निश्चित आमदनी प्रत्येक किसान को प्राप्त हो, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। कामगारों और मजदूरों की प्रतिष्ठा की चिंता की गई है। श्रम योगी मानधन की जो योजना लाई गई है, पेंशन के लिए जो छोटे छोटे कामगार हैं उनकी चिंता की गई है। पंचर बनाने वाले से लेकर पकौड़ा बनाने वाले तक के जो हमारे छोटे छोटे कामगार हैं, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, विभिन्न हाथ ठेले लगा के काम करने वाले जो लोग हैं, इस तरह के सभी कामगारों के लिए पेंशन का कोई अभी तक प्रावधान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चाय बनाने वाले के बेटे ने, एक बर्तन मांजने वाली माँ के बेटे ने आज हर गरीब आदमी की चिंता की है और उनको भी पेंशन के लिए श्रम योगी मानधन नाम की एक योजना प्रारंभ की है। निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। इनकम टैक्स में जैसे छूट का जो आज प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से हम ओवरऑल यदि बजट को देखेंगे तो निश्चित रूप से यदि भारतवर्ष के विकास के यदि बड़ी परियोजनाओं की बात की गई तो साथ में गांव की भी चिंता की गई है। हमारे पीयूष गोयल जी ने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि गांव की आत्मा को जीवित रखते हुए गांव में भी शहर की जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयास है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, निरंतर चल रही है। आज वो जितने भी गांव बचे हैं, निश्चित रूप से वो आने वाले 2 या 3 वर्ष में पूरे के पूरे गाँव पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया है। 2022 तक, जो कि हमारी स्वतंत्रता की डायमंड जुबली होगी, हीरक जयंती होगी, तब तक पूरा भारतवर्ष एक स्वच्छ भारत बन सके, इसका प्रयास भी इस बजट के माध्यम से तो चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री जी ने तो जिस दिन से शपथ ली है उसी दिन से प्रारंभ किया। निश्चित रूप से पूरा हमारा न्यारा प्यारा भारतवर्ष स्वच्छ बन सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। इतने तमाम सब चिंताएं इस बजट के माध्यम से, पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में आने वाले 10 वर्षों की भी चिंता व्यक्त की गई है। और जैसे कि मेरे बगल में बैठे हुए अर्थशास्त्री, आपने बुलाए हुए अंशुल जी, उनसे भी जब चर्चा हो रही थी तब हम आंकड़ों के माध्यम से चर्चा कर रहे थे, तो जो पहले के आंकड़े थे, चाहे मुद्रास्फीति के हों, चाहे महंगाई के हों, ये चाहे राजकोषीय घाटे के हों, ये सब के सब सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं। चाहे GDP के माध्यम से हो, GDP में भी आज भारतवर्ष उछाल कर रहा है। जो पहले भारत पिछड़ा हुआ एक देश माना जाता था विश्व के परिदृश्य में, आज वहाँ पर 5वें नंबर पर पहुँच रहा है। नहीं साहब, भारत पिछड़ा हुआ तो नहीं, विकासशील देश हमेशा माना जाता रहा है। थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा जी रिजवान जी, निश्चित रूप से, लेकिन GDP की मान से हम बहुत पीछे थे, निश्चित रूप से बहुत पीछे थे, तो उसके छलांग लगाते हुए अब हम बहुत ऊपर आए हैं। तो बहुत ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी आर्थिक एजेंसियाँ जो है कई तरह की, बहुत से आवाज़ उठती रही है समय समय पर। चलिए, लेकिन आपको तो अपनी सरकार के बारे में ही कहना है तो कहिए साहब। चलिए, और कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह रहा, जैसे कि 6 करोड़ LPG के कनेक्शन, जिस LPG के लिए पहले सांसद की सिफारिश लगती थी, आज निःशुल्क 6 करोड़ गरीब परिवारों को दिए गए हैं। 10 करोड़ परिवारों में शौचालय की बात कर रहे हैं, अटल जी की सरकार के बारे में या उससे पहले की सरकार के बारे में? देखिए रिजवान जी, यदि बीच में सांसद की सिफारिश कब लगती थी? सांसद की सिफारिश निरंतर लगती थी, अभी तो नहीं लगती थी। अभी तो मैं पिछले 15-20 साल से नहीं जानता, 15-20 साल से नहीं जी समझता हूँ जो कांग्रेस की। नहीं तो फिर पहले और बाद की बात क्या करना है? मतलब थोड़ा सा देखिए साहब, कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है अभी यहाँ, इसलिए वो आपका कोई टोक नहीं पाएंगे। रिजवान जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपके ऊपर ये दायित्व है कि संतुलन बना रहे और उनके प्रतिनिधि नहीं है, उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। आप मेरे को टोका टोक कर रहे हो तो मेरे को अच्छा लग रहा है। कांग्रेस जो है वो यहाँ सत्ता में आ गई है ना, इसलिए अब थोड़ा सा उनके प्रतिनिधि थोड़ा देर से आएंगे। मैं तो आपकी निष्पक्ष पक्षपातिता मानता हूँ, आपकी निष्पक्ष पक्षपातिता में नहीं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि
हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं और हम एक मीडिया में बैठे हैं, जब तो कम से कम सांसद की सिफारिश में 20 साल से तो नहीं आ रहा है, और सांसद की सिफारिश तो टेलीफोन में भी बहुत साल बरस बीत गया इस बात को, इन बात को बीत गया, और इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं, इसका श्रेय आपको नहीं जाता, कतई नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी को जाता, आपकी किन्हीं सरकारों को नहीं जाता इसका श्रेय, दोनों को नहीं जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहा हूँ आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हा राव सरकार के दौर से ही बहुत ढेर सारी चीजें बदल चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए। ना निश्चित रूप से देखिए रिजवान जी, आपने कहा इसलिए तो कांग्रेस के प्रतिनिधि होते तो मन से बोल सकता था, वही ना संगराब थे, आप बिल्कुल कह सकते हैं संगराब थे, उनका अपमान इस कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस एक निश्चित रूप से मैं हमला इसलिए बिल्कुल बिल्कुल जिनको पांच साल प्रधानमंत्री बनाकर रखा उनका अपमान सिर्फ इसलिए उनका अपमान किया, इनकी निष्ठा परिवार नरसिम्हा राव पे न जाए। आप तो आज के बजट पर रहे, ना तो आज का बजट तो देखिए ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बस जो बजट 2016 में आ जाना चाहिए था वो 2019 में आया है। सवाल विपक्ष यही खड़े कर रहा है, लौटूंगा आपके पास नरेन जी, उसका जवाब भी होगा आपके पास, इसलिए कि जवाब तो आप लोगों के पास बहुत शानदार होते हैं, सियासत नाम ही इसका। क्या कहेंगे अंशुल, बजट आज कल और उसके पीछे के साथ चलेंगे? मैंने सर क्या हुआ कि व्हाट्सएप की खबरों की जगह मैंने बजट का पूरा प्रिंट आउट निकाला जी, और प्रिंट आउट निकालने के बाद जब मैं बजट के पन्ने पलट रहा था जी, तो मुझे ऐसा लगा कि 2019-2020 की बातें बहुत कम हुई हैं जी, हमने पिछले सालों में क्या करा और हम आगे क्या करने वाले हैं जी, वो तो थोड़ा सा बजट के अंदर ज़्यादा मेंशन रहा। हालांकि मैं भी बड़े बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कांग्रेस के प्रतिनिधि जी का जी, क्योंकि आज उनके पास मटेरियल बहुत सारा है जी बोलने के लिए, लेकिन आप भी जब तक वो नहीं आते हैं तब तक आपसे भी मैं तटस्थ अर्थशास्त्री की तरह बहुत ढेर सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी भी भ्रम बना हुआ था, तो मैं पहले उन भ्रम को क्लियर करना भी चाहूँगा आपके जी, साथ जी। मैं सीधे सीधे अभी अगर बात करूँ टैक्स रिफॉर्म्स की बात करूँ, तो मेरी अभी सर से बात हो रही थी, सर ने मुझे बताया कि लिमिट जो है वो 5 लाख तक बढ़ा दी गई है जी, और 5 लाख तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं आएगा, ये व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ये बात सही है कि अगर आपकी इनकम बजट में 5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना जी, पर अगर आपकी इनकम 100 रुपए भी बढ़ जाती है जी, अगर आपकी इनकम 5,100,000 रुपए है तो आपके लिए साहब कोई राहत नहीं है जी। तो ये बोलना कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। और रही बात दूसरे रिफॉर्म्स की, इसी पर पूछ लेता हूँ आपसे जी सर, इसलिए कि विपक्ष के प्रतिनिधि नहीं है अभी, 5 लाख से ऊपर वाले को हम मान लेते हैं कि वो अमीर है टैक्स देगा, और हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी का हम भाषण सुन रहे थे, अभिभाषण कल आ रहा था जी, तो उसमें कह रहे थे कि उन्होंने गरीबों के लिए आरक्षण दिया है जी, और वो 8 लाख है जी, वहाँ गरीब 8 लाख कमाने वाला तक गरीब है और यहाँ टैक्स देने वाला जो है वो 5 लाख के बाद ही अमीर हो गया, तो ये थोड़ा सा नरेन जी से पूछूंगा, लेकिन आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा इस। सर ये बात तो मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजन का मैटर है कि साहब आपने लाइन ऑफ पॉवर्टी क्या बना के रखी हुई है कि गरीब कौन है अमीर कौन है। अभी जैसे इन्होंने बोला है कि हमने मिडिल क्लास का ध्यान रखा हुआ है बजट में जी, तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी मेरे ख्याल से इस बजट के अंदर क्लेरिफाई कर देते तो ज्यादा बेटर होता कि मिडिल क्लास। शायद मैं, आप, मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हम सब, और नरेन जी भी उस मिडिल क्लास में शायद नहीं आते जी। गरीब परिवार से आता था जी। लौटूंगा नरेन जी आपके पास आऊंगा, सारे जवाब तो आप ही को देने हैं जी, बताइए अंशुल जी। तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन अगर थोड़ी सी क्लेरिफाई हो जाती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 5 लाख से ऊपर अगर मेरी 100 रुपए भी इनकम हो जाती है जी, तो इस बजट में मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है जी। तो एक तो ये वाला फैक्टर है जो मैं अभी सर के साथ भी डिस्कस कर रहा था जी। दूसरा मुझे ऐसा लगा कि बजट के अंदर लॉलीपॉप्स, वैसे तो जाहिर ही था कि ये बजट जो है वो इलेक्शन वाला बजट है, चुनाव वाला बजट है, तो प्रलोभन तो बहुत सारे आने वाले हैं, लोक लुभावन वाला बजट, बिल्कुल लोक लुभावन वाला है, लॉलीपॉप्स पकड़ाई गई हैं। अब दूसरा फैक्टर अगर मैं किसानों का पकड़ूं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीनें हैं, उनको 6,000 रुपये सालाना एडिशनल इनकम सपोर्ट इनकम दी जाएगी जिसको बोल रहा है, तो 6,000 रुपये का सपोर्ट सर कितने दिन चलेगा वो तो आप और मैं दोनों ही बेहतर समझ सकते हैं। आजकल 1 महीना का घर का खर्च, मतलब 1 महीना सर, अगर हम गरीबी रेखा की बात करें, डेली वेजेस वालों की बात करें, तो जो मिनिमम डेली वेजेस फिक्स करे हैं गवर्नमेंट ने जी, वो 217 रुपये पर डे है जी। तो मतलब अगर हम 6,000 रुपये की बात करें तो ये तो 1 महीने का भी काम नहीं हो पा रहा जी।
तो किस तरीके का आधार है ये तो समझ से परे है मेरे जी। और भी बहुत कुछ है और बजट के अंदर तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में ज़रूर मैं पॉजिटिव मूव मानूंगा जी, कि जीएसटी में 3-4 फैसले बड़े अच्छे लिए गए हैं। एक तो जो जीएसटी का टर्नओवर का क्राइटेरिया था 20 लाख, वो बढ़ा के 40 लाख कर दिया, जो 2-4 दिन पहले ही हमें पता चल चुका था जी, 40 लाख रुपये कर दिया, विच इज़ अ वेलकम मूव। सेकेंड उन्होंने जो करा है वो कंपोजिशन स्कीम करी हुई है फॉर डीलर्स सर्विस सेक्टर में। एक मिनट, हमारे साथी भी जुड़ गए हैं, हमारे चैनल के चीफ एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी आपका भी स्वागत है। चलिए जी, हाँ अंशुल आप कुछ कह रहे थे। इसमें एक और चीज़ है जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं उनके लिए भी कंपोजिशन स्कीम लेके आ गए हैं। मैं एक चीज़ है जीएसटी के बारे में आप बात कर रहे थे जी। जीएसटी पहले कम थी, फिर 20 की गई, फिर उसके बाद और कर दी, ये जो चीज़ें हैं जी, आपको क्या लगता है कि उस तरह की सोच नहीं थी, वैसी जानकारी नहीं थी, वैसी समझ नहीं थी, या लोगों का पेशेंस देखना था कि कितने तक लोग सह सकते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे शनय शनय इस तरह की छूट देते चलेंगे। सर मुझे क्या लगा कि जीएसटी एक डिसीजन तो बहुत अच्छा था बट बहुत जल्दीबाजी में करा गया निर्णय था। लैक ऑफ प्लानिंग के कारण ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें जहाँ पहले 20 लाख करा, फिर 40 लाख करा, अभी हम रोज़ की रोज़ आज हम बात करें तो जीएसटी का एक प्रॉपर किताब भी हम नहीं लिख पा रहे जी, क्योंकि हर हफ्ते जो है एक नई चीज़ काउंसिल मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज, हर महीने में कोई ना कोई चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद ऑल टुगेदर हम वहीं पे खड़े होते हैं जहाँ पे हम पहले दिन खड़े थे। बट एनीवे अब ये होप करते हैं कि क्योंकि अब जीएसटी जो है वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है उसको जी, तो अब कुछ मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा और कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी जो है वो बन जाएगी जीएसटी के अंदर। और कुछ कह रहे थे आप कर्मचारियों के लिए, कुछ कह रहे थे? कर्मचारियों के लिए सर एक छोटा सा लॉलीपॉप और दिया गया है, जहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में 40,000 रुपये होता था, उसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया, तो एक 10,000 रुपये की छूट जो है वो ज़रूर कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है यहां पर। टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ें नहीं आई हैं, स्लैब रेट के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, जो हम नॉर्मल कॉमन पीपल सोच रहे हैं कि 5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा, पर ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी आय 5 लाख या 5 लाख से कम है। तो बहुत बड़ा कोई इनकम टैक्स के अंदर चेंज नहीं है, एंड मैं इस बजट को वही एक लोक लुभावन वाला बजट ही मान के चलूंगा। चलिए, क्या कहेंगे लीलाधर राजपूत? किसानों का मसला है, किसानों की बात है, और आजकल अन्नदाता की चर्चा बहुत है, जय जवान जय किसान तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री ने दे दिया था ये नारा, लेकिन क्या लगता है इस बजट में जय जय है या अभी भी बहुत इंतज़ार है? बजट में ही नहीं, अभी तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरे 5 साल जो सरकार के गुजरे हैं वो पूरे के पूरे किसान विरोधी नीतियाँ उसमें रही हैं उनकी, और इस बजट में भी बहुत कुछ खास नहीं है। ये 6,000 रुपया छोटे किसानों को जो दिया है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। हमें बड़ी उम्मीद थी हमारी केंद्र सरकार से कि इस बजट में, पूरे 5 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे किसान लोग कि मोदी जी अब कोई बड़ा फैसला किसान हित में लाने जा रहे हैं, लेकिन जब ये बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें कुछ ऐसा खास लगा नहीं। कुल मिलाकर ये निराशापूर्ण बजट है किसानों के लिए, और हम ये मानते हैं ये जो लालीपॉप एन चुनाव के पहले जो बजट के माध्यम से हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी दल की सरकारें हों, जो देती हैं वो हमारा जो लोकतंत्र है वो परिपक्व लोकतंत्र का प्रतीक हम नहीं मानते इसको, दुनिया का श्रेष्ठ लोकतंत्र है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि चुनाव के ठीक पहले हमारे वोटरों को लालच दिया जाता है और उसके बदले ये उम्मीद की जाती है कि हम वोट हासिल करें। तो ये दोनों ही जो सोच है सरकार की हो चाहे दूसरे दलों की हो वो ठीक नहीं है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो केंद्र सरकार है जिसने 2014 में चुनाव से आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा नंबर 5 में ये बात कही थी कि हमारी सरकार अगर केंद्र में आती है तो हम MS स्वामीनाथन, जो हमारे देश में एक बड़ा आयोग 2004 में हमारी सरकारों ने लाए थे, कांग्रेस सरकार उस समय थी, उन्होंने जो सिफारिश की थी कि किसानों की जो बदहाली है, जो आत्महत्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, उसका एक कारण है कि किसानों की जो
आय है वो लागत मूल्य के साथ उनको जो उत्पादन का मूल नहीं मिलने के कारण ही ये दुर्दशा किसानों की हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी, बात नंबर 5। एक साल हमने इंतजार किया, एक साल के बाद हमने फिर सवाल करने शुरू किए सरकार से, तो ये कहा गया कि ये तो चुनावी जुमलेबाजी थी। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र में माने जाने वाला हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, और जहां राजनीतिक दल किसानों से, जनता से छल करके वोट लेते हैं, इसलिए इस बजट से तो हमको पूरी निराशा ही है। बल्कि पूरे 5 साल में जो परफॉर्मेंस सरकार का रहा, ये किसान विरोधी रहा है। और हमें तो ये भी लगता है कि हमारी केंद्र सरकार जो है एक छुपे हुए एजेंडे के लिए काम कर रही है, जिसको किसानों को 2022 में उनकी आमदनी को दुगना करने की बात कर रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे किसानों को आधा करने का इंतजाम 2022 के लिए किया जा रहा है, और ये जो झूठे झूठी बातें जो हैं। पूछूंगा राजपूत जी, नीलाधर जी पूछूंगा मैं नरेंद्र जी से, लेकिन एक बार अब एक तटस्थ जो इस पूरे मामले में पक्ष है वो भी समझ लेते हैं। मनोज जी, दिन भर देखा आपने, दिन भर पूरे बजट को बहुत गंभीरता से देखा, कई तरह की चर्चाएं भी आपने की, क्या दिख रहा है इस बजट में? देखिए रिजवान जी, एक तो जो लफ्ज उसका इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं कि पावर बजट, सामान्य सी बात है कि जब इलेक्शन के ठीक पहले कोई अंतिम बजट आएगा तो पावर होगा, और इसमें इसकी दर्शन भी हो रहे हैं, नजर भी आ रहा है। आप देखिए कि पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है सरकार ने, और जो मुख्य मुद्दा रहा वो ये रहा कि भ्रष्टाचार से दूर रही है सरकार। मतलब भ्रष्टाचार को लेकर बार बार कहा भी गया, जब पीयूष गोयल ये बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब रहे। दूसरी बात यह है कि देश की सुरक्षा को लेकर ये सबसे बड़ा बजट है, 3 लाख करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया गया है। हमें लगता है कि इससे पहले ऐसा कोई बजट, यानी दो तरह की बातें, आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौर में एक पिक्चर भी आई है उरी, तो उसके मार्फत भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जगह जगह फिल्में दिखाई जा रही है, और कहीं के नाम पर हालांकि काम भी बहुत अच्छा किया होगा सरकार ने जिस तरह से उस पिक्चर में दिखाया, और सरकार की तरफ से सभी भ्रष्टाचार की। तो ये जो बजट है वो रक्षा की तरफ भी कहीं ना कहीं उस दिशा में जाता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आ रही है कर रहे हैं। तो बजट जैसा हमने आपसे कहा कि लोक लुभावन तो है बजट, और बजट आता है तो लोक लुभावन इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल होता है, पर ये बजट निश्चित रूप से लोक लुभावन है, वो 2019 की झलक उसमें दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कार्ड है सरकार का, 5 वर्षों में जो सरकार ने किया है वो रिपोर्ट कार्ड इसमें प्रस्तुत किया गया। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आज सरकार की तरफ से आया, जिसको बार बार ये दिखाने का प्रयास किया गया कि भ्रष्टाचार से मुक्त रहा, मतलब जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, हालांकि अभी 2 महीने बाकी है, तो भ्रष्टाचार से मुक्त रहा बार बार उसका जिक्र भी किया गया है, बहुत सारे आंकड़े भी दिखाए गए। लेकिन आप इस बजट में एक चीज़ और देखिएगा कि हम जब बजट सामने आता था, अंतिम बजट होता था, तो हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर एक अलग मत नज़र आता था, बात कही जाती थी, लेकिन हमें दोनों चीज़ों के कहीं इसमें दर्शन नहीं हो रहा है इस बजट में। दूसरी बात यह है कि चाहे वो असंगठित मजदूर हों जिनके लिए एक बड़ी सौगात दी है सरकार ने, तो यानी उस वर्ग को भी साधने का प्रयास किया गया। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब रायपुर पहुंचे थे तो उन्होंने भी न्यूनतम आय देने की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं या तो वो इस बात को भांप गए थे जो वो पहले ही कह गए, और उसके जरिए उस जो बात कही गई थी उसके दर्शन इस बजट में हो रहे हैं, यानी या तो ये लीक हो गया था जिस तरह से राहुल गांधी ने सौगात देने की बात कही थी, पर सरकार भी उसी दिशा में जाती हुई नजर आई है। किसानों के लिए जो दिया है वो बहुत कम है, 6,000 रुपये यदि आप 2 हेक्टेयर तक के लिए देने की बात कर रहे हैं, वो भी 3 भागों में 2,000 रुपये, क्या होता है 2,000 रुपये? आज हम यहाँ से इंदौर जाएंगे तो 2,000 रुपये खर्च हो जाते व्यक्ति के। तो यही है कुल मिलाकर इस बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन भारी भरकम बजट है। करीब जैसा देख रहे हैं हम बड़ा व्यय इसमें दिखाया गया इस बजट में, लेकिन 2030 तक की तस्वीर प्रस्तुत की गई है, दृष्टि पत्र प्रस्तुत किया गया है कि 2030 तक हम इस बजट के जरिए कैसे सरकार आगे बढ़ेगी। यानी सरकार ये मानकर चल रही है कि अगली सरकार भी उनकी होगी, और हम सबको इंतजार रहेगा इस बात का कि इस बजट के मार्फत वो कितनी वोट ले पाते हैं, और किस तरफ जो जनता है वो बजट को किस हाथों हाथ लेती है या सरकार के ऊपर किस तरह से वार करती है, उसका इंतजार जरूर रहेगा। पर ये जरूर है कि पूरा बजट चुनाव के दृष्टिगत। अंशुल कह रहे थे कि ये मध्यम वर्ग
की क्या परिभाषा है सरकार स्पष्ट कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता, इसलिए कि 5 लाख तक तो कुछ नहीं और 5 से जैसे ही 10 पहुँचे तो सीधे 20%। ये असंतुलन, ये इस तरह का, इससे किसको लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा और इससे इसको लेकर कितनी तरह का कन्फ्यूज़न है। बजट को लेकर भी बहुत तरह की चीज़ें रिजवान जी। जी अंशुल, मैं ये मनोज जी से ही सवाल था। बिल्कुल देखिए, 5 लाख तक की जो बात कह रहे हैं अंशुल जी और बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक और जो हालांकि मैं उसको समझ नहीं पाया, 6.5 लाख की बात भी कही गई है जो ये कहा है कि ये कहा है कि आप अपनी आपकी जो खर्चे हो ना हो, खर्च पूरे हो पाए ना हो पाए, लेकिन आप डिपॉजिट कर दीजिए या किसी चीज में इन्वेस्ट कर दीजिए और इन्वेस्ट करिए और उसके बाद उसका लाभ ले लीजिए। तो मेरे पास इतनी आमदनी ही नहीं है, 5 लाख में मेरा घर ही नहीं चलता। कहना चाह रहा था आपसे कि 6.5 लाख की बात कही गई, जो 5 लाख की जी कहिए, चलिए जी जी। तो मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा। कहिएगा सर। सबसे पहली चीज, जैसे अभी रिजवान सर ने बोला कि 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में 20%, तो सर वो तो है ही है, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में 20%। पर अगर मेरी आय 5 लाख 6 लाख रुपए भी है तो मुझे वो 5 लाख का फायदा भी नहीं मिलेगा। 5 लाख तक जो 12,500 रुपए का टैक्स लगता था वो तो लगेगा, इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है, पहली चीज। बिल्कुल। अब जहां तक सर 6.5 लाख मैं और आप इसमें नहीं आते जी, बिल्कुल मैं और आप नहीं आए इसमें जी। जो 6.5 लाख वाला मैटर था सर जी, 6.5 लाख वाला मैटर एक्चुअली मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों दोबारा से इस बात को जिक्र करा है। आपको मालूम होगा सेक्शन 80C नाम का एक सेक्शन है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट, 1.5 लाख तक की पहले से भी छूट थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर उसी 1.5 लाख को इंक्लूड कर लिया उन्होंने जी, और उन्होंने को ऐसा लगा कि 6.5 लाख में 1.5 लाख रुपए हर आदमी इन्वेस्ट करेगा, फिर 5 लाख उसके पास बचेंगे और उसको टैक्स नहीं लगेगा। आप वित्त से संबंधित हैं, तो उन्होंने इस चीज को लुक्रेटिव बनाने के लिए, अलुभावन बनाने के लिए, ताकि लिमिट थोड़ी बड़ी हुई सी लगे। और हमारी याददाश्त वैसे भी बहुत ज्यादा तो है नहीं, 6.5 लाख रुपए तक की लिमिट लगे जी, इसलिए उन्होंने 6.5 लाख। एक चीज आपसे जी सर, चूंकि आज जेटली जी बहुत याद आए जी, पीछे के जितने भी बजट उन्होंने पेश किए, बड़ा बुरा भला सुना, पहले वही बोला कि जेटली जी की पूरे देश में बहुत उन्होंने बुरा भला सुना है ना। अब वो अस्वस्थता के कारण नहीं आए इस बार, और सारी फुटेज जो है हमारी टीवी की भाषा में इस बार पीयूष गोयल को मिल गई, मतलब सारे कड़वे जो हैं घूट जेटली जी ने पिए और सारी जो पीठ थपथपाने वाला काम वो पीयूष के हाथ आ गया, अमृत उन्हें मिल ही गया, आखिर नाम भी पीयूष है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे अंशुल इस पे आप? बिल्कुल सही बात है सर, सारे कड़वे घूट तो जेटली जी ने पिए और आज जो लुभावना बजट था वो इत्तेफाकन सर ने पेश करा। अभी आपने देखा मोदी जी थपथपा रहे थे मेज जमकर। बिल्कुल। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि पीयूष गोयल जी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं जी, इसीलिए तो मैंने कहा इसीलिए मैंने ये मौका आपको दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी जो लैंग्वेज है बजट की वो जानबूझ के अट्रैक्टिव करी गई है, हालांकि उतनी अट्रैक्टिव चीज थी नहीं जी। तो ये डाटा का जो खेल है वो पीयूष जी ने, आप ये कह रहे हैं कि पुरानी बोतल में नया लेबल कुछ हद तक लगा दिया गया, आप बुलवा रहे हैं मुझसे जी। रिजवान जी, अंशुल जी अच्छे अर्थशास्त्री हैं और सी हैं जी, और पीयूष गोयल जी भी सी हैं, लेकिन सी के साथ साथ वो पॉलिटिशियन भी हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी मिठास तो भाषा में आनी थी। आजकल पॉलिटिशियन की भाषा में मिठास ही तो नहीं बची साहब, सबसे ज्यादा चिंता यही होती है। चलिए सर, मैं कुछ इसमें अंशुल मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। संगीता शर्मा हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी है, आज इत्तेफाक यह है कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया, तो संगीता टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता आपका स्वागत है जी, धन्यवाद रिजवान सर। कैसे देखती हैं आप इस बजट को? रिजवान जी, ऐसा है कि ये जो आज बजट पेश किया गया है ये आर्थिक बजट तो नहीं है, ये राजनीतिक और चुनावी बजट ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अंतिम बजट है और मोदी एक जी सवाल एक सवाल पूछ लेता हूँ एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव की इस बेला में भी चुनावी बजट नहीं आएगा? आप उम्मीद क्या कर रहे थे? हमें तो पूर्व से ही आशंका थी कि फिर से लोक लुभावन बजट देंगे ये, जनता को फिर भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे और फिर सत्ता हासिल करने का प्रयास करेंगे, ये हमें पहले से मालूम था। और हम देख सोच ही रहे थे कि देखिए कितना जनता को और बनाने का प्रयास करेंगे मोदी जी, और वो उन्होंने किया है। ये अगर आर्थिक स्थिति देखते देश की कि कौन से नंबर पर, कौन से पायदान पर देश आज आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, तो ये इन्हें एक अच्छा बजट बताकर और देश के सामने करते। परंतु 2014 में जो इन्होंने जो बजट दिया था, 2014 में जो जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे
और ये 4-5 साल लगातार ऐसे गुजर गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अब ये लास्ट प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम फिर से इस तरीके से जनता को बना दे तो जनता ने तो इन्हें समझ लिया है कि किस तरीके से उन्होंने ढेर सारी चीजें बताई, उन्होंने ढेर सारी चीजें बताई, उन्होंने बताया एफडीआई में बात कही थी, तो ये सब कुछ में तो विफल रहे मोदी जी। अब लोकप्रियता भी इनकी कम हो गई है, अब ये जो 5 लाख तक का जो बता रहे हैं कि टैक्स पे छूट दी जाएगी, तो ये तो पूरी तरीके से झूठ है। यदि इसको आंकड़ों के साथ समझा जाए, जो इसके पूर्व में जो संगीता शर्मा हमने इसको आंकड़ों से समझा था, आप भी वही बात कहेंगी जो अभी तक हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र शिवाजी पटेल को छोड़कर बाकी सारे लोग भी इस बात को कह रहे हैं। इससे इतर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड एफडीआई जमा हुई है देश में, और नोटबंदी से बहुत फायदा हुआ, जीएसटी से भी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, झूठ बोलना तो इस सरकार की आदत ही है। ये सरकार बनने से पहले इन्होंने झूठ परोसा था देश की जनता को, और फिर इन्होंने झूठ परोसा। ये नोटबंदी की बात करते हैं, इन्होंने नोटबंदी में 4 बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि जो आतंकवादी हैं उनकी गतिविधियां पर रोक लगेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, काला धन वापस आएगा। ये जो सारी बातें इन्होंने कही थी उसमें से अगर एक भी सिद्ध हुई हो तो वो बताइए, क्योंकि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं इनसे बोलिए कि इन्होंने जो 4 बातें बोली थी नोटबंदी के लिए वो 4 बातें सिद्ध हुई क्या? आज तक नहीं हुई। इन्होंने उसे कैशलेस पे मोड़ दिया, यू टर्न ले लिया था उस समय कि हम तो कैशलेस कर रहे थे। तो ये तो अपनी ही बातों से यू टर्न लेने वाली सरकार है। इन्हें मालूम है कि जुमला दे दो, बाद में जनता पूछेगी तो कह देंगे जुमला था। तो अब जनता तो ये देख रही है, और ये 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भी यही हाल थे और 5 वर्षों से देश में भी यही हाल है। इनकी जो इमेज देश के सामने बनी है, युवाओं के सामने बनी है, वो एक ही इमेज बनकर खड़ी हो गई है कि ये जो सरकार है झूठ बोलती है, और जब इनसे प्रश्न करो तो यू टर्न लेती है और बाद में उसे जुमला कहकर पल्ला झाड़ लेती है। संगीता शर्मा, आपको इस बजट में कोई ऐसी चीज भी लगती है कि जो बेहतर है, जो अच्छी है? ऐप तो बहुत ढेर सारे हैं इसमें, कुछ अच्छा भी लग रहा है? देखिए, अब मैं तो पूरी तरीके से यही कहूंगी कि ये चुनावी बजट है, इन्हें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि किसानों का, युवाओं का वोट हमसे खिसकता जाएगा। राहुल गांधी ने रायपुर में एक घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि मिनिमम जो है इनकम जो है वो होगी सबकी, मिनिमम इनकम एक तय करने। इस बजट में कुछ उस तरह की भी चीजें हैं कि श्रमिकों के अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, उसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का अनुसरण कर लिया या राहुल गांधी को कहीं से पता चल गया था? देखिए, राहुल गांधी जी जो बात बोलते हैं सच बोलते हैं, और मोदी जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। राहुल जी ने तो ये कहा था कि मेरे साथ 15 मिनट बैठ जाओ, तो ये 15 मिनट उनके साथ आज तक नहीं बैठे। तो मोदी जी तो वैसे ही मुंह छुपा के घूम रहे हैं राहुल जी के सामने। अरे आप तो गले तक, राहुल गले पड़ रहे, आप तो गले तक मिल लिए भाई। चले संगीता, पूरा समय उनको दिया संगीता बोलने के लिए। संगीता शर्मा कांग्रेस के पढ़ते हैं, बाद में बोले कंफ्यूजन हो गया। संगीता शर्मा आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, राहुल गांधी विषय नहीं है साहब, सरकार का बजट विषय है। संगीता जी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए कर रही है, मैं आपसे पूछ ले, मैं आपसे पूछ, आपके देश का प्रधानमंत्री किसी से मुंह छुपाते नहीं घूम रहा है? अरे इस तरह के शब्द कहना ठीक नहीं। 15 मिनट का समय आज तक क्यों नहीं दिया? तो दिया, जितना बोल सकते थे लोकसभा में बोलिए ना, लोकसभा में बोलने का समय दिया ना, भूखा पाया ना कुछ हुआ, बाद में जाकर गले और पड़ गए। संगीता जी और पड़ गए। अरे नरेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए। संगीता जी कुछ सवाल नरेंद्र जी से भी पूछ लेने दीजिए साहब, नहीं तो फिर रह जाएगा कि नरेंद्र जी से सवाल नहीं पूछे हमने। नरेंद्र, किसान खुश नहीं है, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आपने जो दिया है वो उन्हें भी अभी तक समझ में नहीं आया, तो देश की जनता कैसे समझेगी? देखिए, युवा कह रहा है कि चुनाव के समय आपने इस तरह का बजट दे दिया है, विपक्ष तो जाहिर है उसको आपका बजट अच्छा नहीं लगेगा। तो जी आप पूछिए कुछ। हाँ, सवाल यही है कि मध्यम वर्ग आप किसे मानते हैं? जैसा पूछ रहे थे अभी अंशुल, आप किसे मध्यम वर्ग मानते हैं? और आपने मध्यम वर्ग को भी इतना कंफ्यूज कर दिया ना। देखिए रिजवान जी, मैं एक बात कहूं, जो आपने बात है कहीं, ये देखने का दृष्टिकोण केवल एक आता है। विपक्ष का धर्म है कि वो निश्चित रूप से बजट का जो भी मीन में खो, जो भी चीड़ा फाड़ी करना आवश्यक है, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है,
करना भी चाहिए। लीलाधर राजपूत की कोई जवाब ना, लेकिन देखिए लीला देश उम्मीद का किसान उम्मीद कर रहा था कि आप कल माफ कर देंगे। रिजवान जी एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दें, लीलाधर जी यहाँ पर किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि इनका जो संगठन है उसकी संबद्धता, उनके जो अध्यक्ष है उनकी संबद्धता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ दिख रही है, इसलिए इनको निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। मतलब ये आपके पक्ष में, आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस से संबद्धता हो जाएगी। एक मिनट, लीलाधर जी एक मिनट रुक जाइए, अंशुल के बारे में तो कुछ नहीं कहना इस तरह से? ना देखिए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसे उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन समस्त किसानों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। आप बता दीजिए 6,000 रुपए में देश के किस किसान का आप भला कर लेंगे? निश्चित उतने में तो बीज भी नहीं आएगा उसका। रिजवान जी निश्चित रूप से मैं उतने में उस किसान का बीज भी नहीं आएगा। बार बार ये बात हो रही थी कि 6,000 रुपए में क्या होता है, मनोज जी ने भी कहा कि हम इंदौर जाते हैं 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। निश्चित रूप से अपन लोगों के साथ है ऐसा, लेकिन इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, उनके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए। आज जो 6,000 रुपए की राशि मिलने वाली है, ये 6,000 रुपए की राशि 12 करोड़ परिवारों को मिलने वाली है देश के अंदर। निश्चित रूप से यदि हम एक 4 लोगों का परिवार मानना है तो 48 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। अब 6,000 रुपए सालाना से होने वाला क्या है, मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से 6,000 रुपए से बहुत कुछ होने वाला है। ये उन लोगों के लिए मायने रखता है जिनकी वैल्यू क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं आऊंगा संगीता शर्मा आपके पास, आऊंगा आपके पास करना चाहते हैं जी, आपके अनुमति से जी। पटेल साहब जो बात कर रहे हैं ना, हम इसका घोर बिल्कुल इसका खंडन करते हैं जी। हम किसी दल के लोग नहीं है जी, हम जब सही बात करते हैं। अरे ये सवाल हमने कर लिया उनसे साहब जी, हमने किसान की तरह बैठा आपको बुलाया, किसान नेता की तरह बुलाया है, और हम जानते हैं कि हमारा चयन क्या है, वो एक अलग विषय है। निवेदन करते हैं, क्या ये किसान का अधिकार नहीं है, क्या उसको उसकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिलना चाहिए? जब हम ये बात करते हैं तो ये भाजपा वाले कहते हैं ये कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस वाले कहते हैं ये भाजपा के हैं। कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए ना। नहीं, आप क्यों नहीं उठा रहे? मेरी बात सुन लीजिए, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आ गई। नहीं, आपने वादा नहीं किया था क्या? मेरी बात सुन लीजिए ना पूरी, पहले क्या बात है? 2006 में कांग्रेस की सरकार आ गई। नरेंद्र शिवाजी पटेल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने क्या किया? लीलाधर राजपूत आप रुक जाइए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, कांग्रेस को जनता ने सड़क पर उतार दिया। आपने 5 साल पहले 6 साल पहले वादा किया था, आज आप आखिरी बजट जो आपका है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि अंतिम नहीं है, लेकिन आपकी सरकार का ये अंतिम बजट है। अगली बार जनादेश जो आएगा वो सरकार में बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस सही हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, उसके लिए क्या किया आपके इस बजट ने, मुझे ये समझा दीजिए। देखिए रिजवान जी, निश्चित रूप से जो मैं अपन स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 2006 में आ गई थी और 2014 तक कांग्रेस की 8 साल। मैंने बता दिया, कांग्रेस को जनता ने उतार दिया, रिजेक्ट कर दिया, आप फिर वही जवाब दे रहे हैं, आप फिर वही जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, आपको सिलेक्ट किया निश्चित। उसके बाद पार्टी की सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आई है नहीं, अब तो सरकार का अंतिम समय चल रहा है, आने वाली है भाई। देखिए तो लीलाधर जी आप जवाब दे दीजिए, कौन आने वाला? हम ये कहना चाहते हैं, आप ये बता, अच्छा आप लीलाधर जी आप बीच में नहीं पड़िए, लीलाधर जी आप बीच में नहीं पड़िए, ये बात कर रहे हैं। नरेंद्र जी जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे रहे आप। नरेंद्र शिवाजी पटेल आप जवाब नहीं दे रहे। नरेंद्र लीलाधर जी आप बीच में मत बोलिए, नरेंद्र जी आप जवाब नहीं दे रहे, आप नहीं दे रहे। 5 साल में आपने क्या किया, जवाब नहीं दे रहे। राजनीतिक संबद्धता यहाँ सिद्ध हो गई है, क्योंकि नहीं आप बता दीजिए, आप जवाब ये दे दीजिए, कौन कौन सा ऐसा दल है जो गांव गरीब किसान की चिंता कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव गरीब किसान की चिंता की है, नरेंद्र मोदी जी के गांव गरीब किसान की चिंता की है। लीलाधर राजपूत आप बीच में मत बोलिए, मेरे कार्यक्रम में बीच में कोई नहीं बोलता। जनता पार्टी करती है। नरेंद्र जी बता तो दीजिए कि जो आपने 6 साल पहले वादा किया था पांच साल तो आपकी सरकार को हो गया साहब, 6 साल पहले वादा किया था आपने पीएम इन वेटिंग के साथ ही, बहुत ढेर सारी चीजें करने के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 लाख भी देने वाले थे, हमने तो सोचा था इस बार 15 कुछ आएगा। 15 लाख आपके मुंह से अच्छा ही लगता, कांग्रेस का है तो अच्छा लगता।
क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ना घोषणा थी, ना घोषणा पत्र में था, ना कहीं था। क्या था? केवल ये वो था क्या? केवल एक, अरे लीलाधर आप बीच में मत बोलिए भाई, ये केवल एक एक ये बताने के चलिए चलिए। संगीता शर्मा क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? उन्होंने तो एक सभा में कहा था सिर्फ कि अगर ये काला धन वापस आ जाएगा तो एक एक आदमी को इतना पैसा मिल सकता है। उन्होंने ये कहा था कि अगर विदेशों में जमा काला धन वापस ले आए जी तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा। आएगा नहीं कहा था साहब, आएगा नहीं, हर आदमी हर व्यक्ति के 15-15 लाख रुपए हो सकता है, ऐसा कहा था उन्होंने। आएगा थोड़ी कहा था, नहीं नहीं उसके अकाउंट में आएगा, एक एक के पास। ये कहा था, कहा ना कि आपके मुंह से शोभा नहीं देता, कांग्रेस के मुंह से शोभा देता है। तो मैं इनको शिवाजी जी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के मुंह से ये शोभा देने वाला शब्द नहीं है, ये आपने जनता को मूर्ख बनाया था। जनता ने आपको बढ़ चढ़कर वोट दिया और आपने जनता को मूर्ख बनाया, आपने जनता को छला। अभी आपने जो बजट दिया है उसमें भी आप जनता को छल रहे हैं, किसानों को छल रहे हैं, फिर धोखा दे रहे हैं। चलिए संगीता शर्मा मैं आपको रोक रहा हूँ। नहीं अब आप बात रख चुके हैं, है ना, आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं, सारी बातें कह चुके हैं और बीच में टोका टाकी भी बहुत कर दी आपने। नरेंद्र जी को अवसर दे दिया आपने, एक राजनीतिक शानदार जवाब देने का भी आपने अवसर दे दिया, लेकिन मनोज सिंह जी क्या देख रहे हैं? 15 लाख तो एक जुमला था, ये तो बहुत पहले अमित शाह कह चुके हैं, लेकिन काला धन तो आना था, लेकिन काला धन एक पाई नहीं आया इस देश में, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल तो पूछेगा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का हक है कि वो इस तरह के सवाल करे और इन सवालों का जवाब आज पीयूष गोयल दे भी रहे थे हालांकि, और उन्होंने कहा काला धन आया और जिस तरह से काला धन की बात भी कही गई, बहुत सारे उन्होंने उदाहरण भी उसमें दिए, तो उनकी तरफ से तो जाहिर किया गया है। जैसे हम आपसे शुरुआत में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, काला धन आ गया है, काला धन का लाभ भी लोगों को मिल गया है, और जब बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो बजट में भी ये दिखा दिया है कि हम गरीब के हितैषी हैं, हम जनता के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, किसानों को 6,000 रुपये जैसे एक बड़ी राशि दे दी गई। तो कुल मिलाकर बजट को लोक लुभावन बनाने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन आप बजट को बड़े ढंग से देखेंगे अभी तो और समझना होगा, क्योंकि आज दिन भर जब हम देख रहे थे तो जो समझ आ रहा है उसको शब्दों में जरूर ढाला जा सकता है, लोक लुभावन शब्दों में, पर ये ज़रूर है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों की अभी आवश्यकता थी, वो इस बजट में नज़र नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं के रोज़गार की बात कर रही थी सरकार, युवाओं के लिए क्या कुछ खास है वो भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, जबकि युवाओं को लेकर ये बार आप देख याद रखिएगा कि 2019 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें सर्वाधिक मतदाता ही युवा है, पर युवा आज जरूर ठगासा महसूस कर रहा है। जब युवाओं से आज दिन में बात की तो उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है, तो ये जाहिर कर रहा है कि सरकार की तरफ से राहुल गांधी ने जो बात कही थी उस बात के मद्देनजर लोक लुभावन बात कही गई है, असंगठित मजदूरों को साधने का प्रयास किया गया, किसानों को साधने का प्रयास किया गया है, साथ ही गऊ को लेकर जिस तरह की एक नई बहस छिड़ी हुई है, तो कामधेनु एक नया शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया जिसको लेकर एक ये कहा जाए गायों की रक्षा के लिए एक बजट प्रस्तुत किया गया। तो कुल मिलाकर बजट में हर वर्ग का ध्यान है, लेकिन रिजवान जी आप हम सबको इंतजार करना पड़ेगा कि ये बजट वास्तव में जनता के गले उतरा कि नहीं। अभी तो लग रहा है प्रयास तो सरकार ने किया है दिखाने का कि हम जनता के हित में है, मध्यम वर्ग को भी साथ लिया, मध्यम वर्ग की अभी जिस तरह से परिभाषा सामने आ रही थी 5 लाख की जब हम बात कर रहे थे ऐसा लगता है कुछ नहीं मिला, तो ये सब चीजें समझने की जरूरत होगी। पर 2019 से पहले सरकार ने पीछे किए गए कामों पर जमकर अपनी पीठ थपथपाई और आज के ऐलान पर भी जमकर पीठ थपथपाई है। विपक्ष जो है वो अपना समूह बनाकर नाखुशी जाहिर कर रहा है, अलग 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 तरह के जो वर्ग हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं अलग अलग ढंग से। अंशुल मैं आपसे इस पर समझना चाहता हूँ बहुत जल्दी से, कोई और नई चीज़ अगर आपको ऐसी दिखती है वो फिर नरेंद्र शिवजी पटेल से शिवाजी पटेल से आखिरी बात। अभी तक बजट के बारे में बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हो ही चुकी हैं, अब ये तो प्रूव हो ही चुका है कि दिस वाज अ इलेक्शन बजट, पर एक दो चीज़ें जो अच्छी पीयूष गोयल साहब ने बोली वो उसका उसके ऊपर जरूर मैं ध्यान आपका कंसंट्रेट करना चाहूँगा। अच्छी बात ये थी नरेंद्र जी ये अपना कि नरेंद्र जी सीए धर्म निभा रहे हैं ये जी। दो नहीं दो पॉइंट्स ऐसे थे जो इलेक्शन से अलग थे और जो अच्छी डिक्लेरेशन थी। पहला ये था कि जितने भी अब असेसमेंट्स होंगे जो स्क्रूटनी असेसमेंट्स होंगे विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स वो पूरे के पूरे ई असेसमेंट होंगे,
तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ करप्शन है डेफिनेटली वो काफी नीचे आएगा, क्योंकि एसएससी को पता ही नहीं होगा कि उसका कंसर्न ऑफिसर कौन है जो असेसमेंट कर रहा है। दूसरा ये था कि जो रिटर्न प्रोसेस होगा वो 24 घंटे के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर ही साथ में रिफंड इश्यू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी और एक करप्शन फ्री इंडिया की तरफ हम एक ये मूवमेंट देख सकते हैं कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव था इस बजट का जो मुझे लगा। और बाकी तो बजट के अंदर सारी चीजें डिस्कस हो ही चुकी हैं, पुरानी बातों के ऊपर ही पीठ थपथपाई गई है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र, जल्दी से अपनी बात कहिएगा, वक्त की बेहद कमी। देखिए रिजवान जी, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपके पैनल ने भी मतलब यदि बहुमत हम देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ मीन मेक कुछ तो कमियां, सरकार तो बहुमत की है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ मीन मेक और कुछ कमियों के बावजूद भी यदि मोटा मोटी देखेंगे तो ये तो पाते हैं कि बजट कम से कम टाइमिंग पूरे टाइमिंग पर सवाल सबने खड़े किए, आपने भी किए, मैंने इसलिए मैंने कहा कुछ आपने भी किए, सभी ने टाइमिंग पर सवाल खड़े। देखिए मैं हास प्रयास में ये बात तो कह देता हूँ, अलबत्ता वो एक प्रवक्ता के नाते मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैंने कह दिया था कि मिठास है तो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी जैसे कि हमें और लगता है कि और मिलना चाहिए, लेकिन जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितनी आय सरकार के पास है, उसका जो बेहतर उपयोग हम कर सकते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया देश की रक्षा के लिए। आय से एक चीज पूछ लेता हूँ जी, सरकार ने टैक्स के अलावा आय बढ़ाने के कोई दूसरे उपाय नहीं बताए ना। देखिए रिजवान जी, निश्चित रूप से जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर उपयोग ना, टैक्स अकेला नहीं, और टैक्स ना, टैक्स इसके अलावा सरकार ने कोई दूसरा उपाय, इसके अलावा देखिए मैं बताता हूँ, यूपीए की सरकार के समय जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो कोल माइन पे लगे थे, 2G 3G स्पेक्ट्रम, आप तो जांच ही नहीं कराते, ना सुनिए तो, भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगे हैं बहुत से लगे लेकिन आप जांच नहीं कराते, मैं उस दिशा में नहीं जा, अरे आपने जांच ही नहीं कराई, सीबीआई तक को आपने जिस तरह की स्थिति में खड़ा कर दिया। मैं दूसरा उसका प्रूफ बता देता हूँ कि वही उनकी जो नीलामी हुआ करती थी वो कुछ 1000 करोड़ तक रुक जाती थी, जो बाद में जाके डबल डिजिट हजारों में आ गई थी, मतलब बल्कि उसको कहा जा कि लाख करोड़ रुपए तक की नीलामी, तो जो एकदम से उसमें जो कई गुना इजाफा हुआ, मैं रोक देता हूं आपको, भी सरकार की आय बढ़ी और ये भी जो आप पूछ रहे थे उसका उत्तर है ये बात, आपको रोकता हूं आपको इसलिए कि बहुत ढेर सारी चीजों में तो आप नीलामी भी नहीं कर पाए। चलिए संगीता शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, मनोज सैनी आप हमारे साथ जुड़े, नरेंद्र शिवाजी पटेल आप हमारे साथ जुड़े, अंशुल अग्रवाल आप हमारे साथ जुड़े और लीलाधर राजपूत आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट है कहीं खुशी कहीं गम, मध्यम वर्ग को क्या मिला ये सवाल है, 5 लाख देश में 5 लाख के बाद सरकार मानती है कि अमीर हो जाते हैं, लेकिन अगर वहीं हम आरक्षण की बात करें सवर्णों के तो उसमें 8 लाख तक गरीब होता है। सवाल और भी हैं, बहुतेरे हैं, सरकार ने आमदनी के लिए क्या किया, सरकार ने ये बजट 2019 के लिए बनाया है या 2022 तक की उसकी तैयारी है, और ऐसे कई सवाल हैं जो अभी अनसुलझे भी हैं। बजट पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और आगे आगे देखते हैं इसके क्या असर होते हैं, और सरकार की इसको लेकर जो रणनीति है वो भी स्पष्ट हो रही है, तो विपक्ष भी मोर्चे पर आ गया। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।